सुप्रभात दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस होली बेसिल के बारे में। होली बेसिल का जो प्लांट है वो हर घर में पाया ही जाता है। जो लोग प्लांट्स लवर हैं उनके घर तो मिलेगा ही मिलेगा, अदरवाइज जितने भी लोग होते हैं वो अपने घर में इस पौधे को जरूर रखते हैं, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति के अनुसार एक पूजनीय पौधा भी है और बाकी इस एक मेडिसिनल प्लांट भी है जिसमें बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो हम अपने घर में आमतौर पर घरेलू नुस्खों में छोटी मोटी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। साथ साथ यह पौधा एक पवित्र पौधा है तो हमारे घर में ये होना ही चाहिए। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि मेरा एक प्लांट में लगा हुआ ये पौधा है, इसकी बहुत सारी स्टेम्स हैं लेकिन इसकी जो पत्तियां हैं वो काफ़ी छोटी हो गई हैं। सर्दियों में मैंने इसे बचा के रखा लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो इसकी पत्तियां काफ़ी छोटी निकल रही हैं, न्यू लीव्स निकल रही हैं लेकिन सब छोटी हैं। उसका रीज़न ये है कि आपने देखा कि इस पे मंजरी निकल रही है काफ़ी सारी। अगर हम इस मंजरी को इस पे ऐसे ही लगे रहने देंगे तो जो प्लांट है अपनी सारी एनर्जी सीड्स बनाने में लगा देगा। देखिए आपको इसको नज़र भी आ रहे होंगे, इसके छोटे छोटे सीड्स भी हैं अंदर। ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें छोटे छोटे से सीड्स बने हुए हैं। ये जो ब्लैक वाला है इसका सीड है, इससे हम इसको ग्रो भी कर सकते हैं, आसानी से ये ग्रो हो जाता है। वैसे तो मंजरी जहाँ जहाँ जड़ जाती है वहाँ ये अपने आप ही नई तुलसी के उगा देती है। इसमें आप देखिए बहुत छोटे छोटे से दो पौधे भी निकले हुए हैं, एक इधर निकला हुआ है और एक इधर निकला हुआ है। तो अब हम ऐसा क्या करें कि जो हमारा ये पुराना प्लांट है ये भी सही बना रहे और हमारे बाकी जो पौधे हैं वो भी हमारे मंजरी से उग जाएं। तो ये जो मंजरी है आप इस मंजरी को कट कर दीजिए, मीन्स आप इस मंजरी सारी जो भी मंजरी इस पे निकली हुई है इस मंजरी को निकाल दीजिए ताकि जो पौधा है वो अपनी एनर्जी बीज बनाने में ना लगाए और ताकि आगे की ग्रोथ कर पाए। तो इस तरीके से आप जितनी भी मंजरी आपको आगे दिखाई देती है वो आप कट कर सकते हैं। आप सीजर से भी कट कर सकते हैं इसको आसानी से और आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होती है और आसानी से निकल जाती है। तो इस तरीके से अगर आप अपने प्लांट में मंजरी को हटा देते हैं तो आपकी जो पुराना पौधा है उस पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, नई लीव्स निकलेंगी और जो पुरानी लीव्स हैं वो भी थोड़ी बड़ी फॉलेज के साथ निकलेंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं इसकी लीव्स रिमूव करती हूँ, सॉरी लीव्स नहीं इसकी मंजरी। तो देखिए मैंने एक प्लांट से तो अपनी ये मंजरी निकाल दी है, बाकी मेरे पास एक और प्लांट है इससे भी जो एक्स्ट्रा मंजरी है मैं उसे निकाल के आपको दिखाती हूँ कि आप यहाँ से इस तरीके से अपने पौधे से जो भी मंजरी निकली हुई है या जितने भी बीज आ रहे हैं उन सबको कट कर दीजिए। अगर आप इन सबको कट कर देते हैं तो जो आपकी न्यू ग्रोथ है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होगी और जो पौधा है वो अपनी सारी एनर्जी पत्तियां बनाने में लगाएगा। अगर आप इस तरीके से अपने पौधे से मंजरी हटाते रहते हैं, टाइम टू टाइम उनको प्रून करते रहते हैं, जहां बीज बन रहे हैं उन बीजों को आप हटाते रहते हैं तो आपका पौधा काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। वैसे तो तुलसी में बहुत ज़्यादा किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन जो भी रेगुलर फर्टिलाइज़र आप अपने घर में डालते हैं, क्योंकि बहुत ही शुद्ध पौधा है तो उनमें कैसा भी फर्टिलाइज़र हम नहीं डाल सकते हैं, तो आप इस वक्त इस पौधे की गुड़ाई कर दीजिए। नीचे से जितनी भी मिट्टी है ये इस तरीके से हो गई है, आप इस पौधे की गुड़ाई कर दीजिए। अभी थोड़ा गीला है, मैंने इसमें पानी दिया था, तो जब आपका पौधा जो मिट्टी है वो थोड़ी सूखी हुई हो तब आप इसकी गुड़ाई कर दीजिए, इसके बीजों को रिमूव कर दीजिए। अगर आप इस तरीके से अपने पौधे की केयर करते हैं तो आपका पौधा हरा भरा रहेगा और आगे आने वाले सीजन में काफ़ी अच्छी आपको ग्रोथ, पत्तियाँ और खुशबू देगा। इसके जो फूल होते हैं वो भी बहुत ही सुंदर लगते हैं और देखिए आप देख पा रहे होंगे कितने सुंदर फूल लग रहे हैं इसके। इसकी वजह से काफ़ी भंवरे मधुमक्खियां भी आपके गार्डन में आते रहते हैं क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू ये पौधा आपको देता है। तो जो आज की वीडियो है वो यही है कि आप किस तरीके से अपनी तुलसी के पौधे पे बड़ी पत्तियां पा सकते हैं और किस तरीके से अपने पौधे को बचा सकते हैं। आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।